हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासर अली क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स पहले कर रहे थे। करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट थी हमारे पास वो हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स कराना आपको शुरू किए हैं। तो आज जनरल नॉलेज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है स्टूडेंट्स बुक्स एंड ऑथर्स। ओके, बुक्स और उनके ऑथर्स कौन कौन है वो आज के हम जानेंगे। और बेटा ये बीए एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी एक दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो कुछ हमारे पास आज टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कि कौन से हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। ये है हु रोट द बुक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। किसने, निम्न में से किसने एक बुक लिखी है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो अब हमारे बीच नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत ज्यादा इसका नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने, ठीक है, द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। सो क्वेश्चन नंबर टू, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following books have been written by Abul Fazl? निम्न में से कौन सी बुक अबुल फजल ने लिखी है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, आईने अकबरी, अकबरे नामा, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। सो द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। यानी कि आईने अकबरी भी और अकबरे नामा भी, ये दोनों किसके उपन्यास है, यानी कि किसने लिखे? अबुल फजल ने लिखे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who wrote the book Wealth of Nations? किसने Wealth of Nations book लिखी है? Okay, तो students जो लोग economics से deal करते हैं, जिन्होंने 12th में economics, 11th में economics पढ़ी है, तो उनको ये पता होगा, Wealth definition was given by Adam Smith। किसने दी थी? Adam Smith ने। इनको father of economics भी बोला जाता है। So option C is correct, okay? Come to the next question। Who wrote the book The Making of India? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स अखिलेश तिलोतिया। अखिलेश तिलोतिया ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक अ सुटेबल बॉय? ओके, किसने सुटेबल बॉय बुक लिखी है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स डी, विक्रम सेठ। ओके, विक्रम सेठ इसके ऑथर है, अ सुटेबल बॉय। बात करें स्टूडेंट्स की पीडीएफ की, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यासर अली क्लासेस के यूट्यूब, यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगी। यहां पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक एन ऑटोबायोग्राफी? किसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, काफी फेमस है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक ऑफ, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? निम्न में से अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स कौटिल्य ने। करेक्ट आंसर क्या है? कौटिल्य ने एक बुक लिखी है, इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सारी चीजें आपको हमारे यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे इनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। हु रोट द बुक अष्टाध्यायी? ओके, ये बुक किसने लिखी है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है पाणिनी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु रोट द बुक आनंदमत? ओके, किसने आनंदमत लिखी है? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बैंकिम चंद्र चटर्जी। बैंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक बाय गॉड्स डिक्री? ओके, गॉड्स डिक्री बुक किसने लिखी है? तो 11th का करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स कपिल देव। कपिल देव जो इंडियन क्रिकेटर हैं, ओके, फॉर्मर कैप्टन भी थे और इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था, ठीक है, उनकी कैप्टनसी में इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस? एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है वीएस नेपाल, ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। हु रोट द बुक ब्रोकन विंग्स? ब्रोकन विंग्स बुक किसने लिखी है? सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू काफी फेमस पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु रोट द बुक देवदास, देवदास बुक किसने लिखी है? सारत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सुना होगा आपने काफी बार, फेमस है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, हु रोट द बुक डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, इसमें से डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम किसने बुक लिखी है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स अमृता सेन, अमृता सेन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक गीता रहस्य, गीता रहस्य बुक किसने लिखी है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द बुक इटर्नल इंडिया, किसने इटर्नल इंडिया बुक लिखी है? वो है जी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने इटर्नल इंडिया एक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ओके किसने लिखी है बुक? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स और शशि थरूर। ओके, शशि थरूर इंग्लिश के जाने माने पर्सनैलिटी है, शशि थरूर। ठीक है, आज का टॉप 20 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु रोट द बुक गोरा, ये गोरा बुक किसने लिखी है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, गोरा। सो स्टूडेंट्स दीज आर टॉप 20 क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम द टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स, किस ऑथर ने किस बुक को लिखा है, तो आप इनको याद कर लें, इनकी आंसर्स की आप खुद बना लें क्योंकि आंसर्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, और इसकी PDF आपको यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट भी होते रहते हैं स्टूडेंट्स, आप उन टेस्ट को भी ज्वाइन करिए। ओके, और हमसे जुड़ने के लिए आपको यासर अली क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स बहुत सारी एंट्रेंस से रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर सकते हो, हमारे कुछ पेड कोर्स भी रहते हैं वहाँ पर, ओके, कुछ हमारे वहाँ पे फ्री टेस्ट भी हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड जो वीडियोस हम लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।